वे पूरी तैयारी के साथ में निगाह रखते हैं कि मोर्चों पर क्या हो रहा। तो ये अपना शांतिपूर्ण तरीके से हमको आंदोलन चलाने हैं। आंदोलन हो सके कि और 6 महीने चल जाए, ज्यादा स्पीड में तो आप भागते चले जाओ, तो ज्यादा स्पीड में तो कब तक भाग सकते हो? पैदल पैदल हम बहुत दूर तक जा सकते हैं अगर हल्की स्पीड रहेगी। तो ये है कि अपनी एनर्जी को जो ताकत है उसको खत्म नहीं करना। ये प्रोग्राम आपके बढ़िया प्रोग्राम चल रहे और हरियाणा का पूरा एहसान बंद है। ये जो संयुक्त मोर्चा है, जो किसान है देश का, हरियाणा की जितनी मजबूती मिली है, टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पूरा हरियाणा खड़ा हो जाएगा, और पंजाब की भी उनकी थी कि पंजाब मिल जाए तो फतह हो जाएगी। आज वो टाइम आ गया, आज किसान का वो टाइम आ गया जिसकी उनकी सोच थी, जिस पे वे काम करते थे, उनके टाइम पे ये गठबंधन जुड़ नहीं पाया था। उन्हें भी बहुत ताकत लगाई। अगर दिल्ली में भी आया तो दिल्ली में भी ये हरियाणा था, ये पूरा ये क्षेत्र था। पंजाब की एक दो जत्थेबंदी थी, उत्तर प्रदेश का कुछ छत, कुछ राजस्थान का रहता था। लेकिन जिस हिसाब से अब की बात, करीब 300 किलोमीटर दिल्ली को चारों तरफ से घेर का पब्लिक ने रखा है, ये कभी नहीं मिला। और ये यहां जा रही, ये जो आप कॉल देते हो, पूरे देश में इस पे काम होता है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल जाएगी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह आपका संगठन है, वहां पे उस पे कॉल पे काम होता है। आपने ट्रैक्टर की कहा 26 तारीख में, तो हजार हजार ट्रैक्टर लेकर निकले लोग, 90-90 किलोमीटर की यात्राएं करी उन्होंने उस दिन। यहां पे आप लोगों ने जल मांगे 28 तारीख में, तो यहां पे पूरे देश भर से, विदेशों से लोग जल लेकर आए वहां पे। बहुत का नाम नहीं ले सकते, कौन कौन आए, बहुत लोग आए वहां पे। तो ये है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ये चल रहा मूवमेंट, इसको चलाओ। आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, रोज आप किसी के पीछे लाठी ठा के, अरे भागते है के पीछे तो नहीं भागते, करते तो पंचायत कर दिया हमें। अगर कोई भाग गया तो उसके पीछे तो नहीं पंचायत भागी, यही तो भाग भाग गया। और पीठ पे क्या हम वार करें, हम तो सामने वार करेंगे। अगर कोई सामना होगा तो आमना सामना, तो अगर कोई डर का भाग गया तो भाग गया। हम लोग भाग गया सरकार आगे आगे है हरियाणा वाले, तो और किसान उसके पीछे पीछे है। आज तो यही हो रहा, तो अपना शांति से इस मूवमेंट को हमको शांति से चलाना। जो नौजवान साथी है, कल भी यहां पे घटना हुई है, वे बालक भी जो गए हैं उनको भी समझाएंगे, बात करेंगे उनकी भी। 27 लोग पकड़े गए थे, 3 रहे, 24 छोड़ दिए, 3 और रहेंगे, उनकी भी बात करेंगे। और फिर जब जा आंदोलन, देखो दो चीज में से एक चुननी पड़ेगी। जब लड़ाई लड़ रहे तो फिर घासीराम ने तो सबका बढ़ने को चीज करे, फिर जेल भी वही उतने साल रहना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि घासीराम भी बन जाऊं, चौधरी चरण सिंह भी बन जाऊं, टिकैत साहब भी बनूं और जेल में रहना ना पड़े, ऐसा कैसा हो जाएगा? फिर अगले दिन ही मूवमेंट क्यों, आज ही रात को छोड़ो। अगर जेल से डर लगता है तो फिर अपने बैठो घर, अब नहीं तो दिखे आपका तो कर लेंगे आगे। फिर यदि जो कॉल करी जाए उस पर करे, फिर जेल चलेंगे तो सब चलेंगे, फिर तो 5-6 महीने तो कम से कम जेल में फिर रहना ही चाहिए। फिर अब जेल में से छोटो उसके लिए आंदोलन, उसके लिए आंदोलन नहीं होता। फिर वो तो कमजोर आदमी आंदोलन करता है कि जेल में से मुझे निकलवा दो, मैं तो कमजोर हो गया ना। ये नहीं है लड़ाई, लड़ो ये आंदोलन है। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो जेल में भी जाएगा अपना, वो जेल में भी रहो, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा उसकी बात करेंगे। फिर आपका मजबूत संगठन है भाई, चलाओ इसको, और सब लोग सीख ले रहे हैं इससे। बहुत लोग कह रहे जी लड़ाई कमजोर हो रही थी,
अरे लड़ाई तो बहुत हो रही, 6 महीने से एक देश की राजधानी को घेर का बैठे, एलिगेशन क्या क्या नहीं लगा हमारे ऊपर, किसान खालिस्तान नहीं बताया, पाकिस्तान नहीं बताया, अफगानिस्तान नहीं बताया, ये तो फंडिंग बाहर से आ रही। अरे तो भाई दाल रोटी पर चल रहा, आटा दाल गांव से जाता है, लस्सी सीध सब दूध गांव से जाता है, मंद जा रहा और बहुत बढ़िया सिस्टम करा हमने, यहां से भी सीखा, वहां से कम आता था, मोल कुछ खरीद लेते थे, कुछ एक हाथ ले आया था, हमने शुरू करवाया वहां से यूपी से भी। ये लगा दिया कि एक गांव की एक जिम्मेदारी लगा दी, एक क्षेत्र की एक जिले से अगले वाले जिले लग गए, और बढ़िया 7-7-8-10-10 क्विंटल दूध आया एक गांव से आ जाओ, अगले दिन अगले गांव से, उसी गांव के वो गांव के बांटेंगे, और 2-2-3-3 जिलों से लग गया यही मामला। ये तो सब चीजें गांव से आवे, वही आटा धर दे, वही वो धर दे, मैंने कर दिया सबको के धरना नहीं, यहाँ बहुत सामान यहाँ पे है, सबको मैंने करा आलू दाल आटा चावल मंगा, अभी मत बेचो भाई, यहाँ कच्चे झोंपड़े हैं, अभी सारा भीग गए, अभी रुक जाओ, तो सब रुकवाने का काम करते हैं, सब जगह टोल पे यही हाल है, जो मोर्चे चल रहे हैं उसमें सब यही हाल है। ये तो सीट ये सब गांवों से जाता है, ये गांव का आंदोलन है, ये कितना लंबा चलेगा कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ये जाता रहेगा यहां से माल, वहां लोग अपना बैठे रहेंगे खाते रहेंगे, सरकारों से जब भी सरकार भारत सरकार बातचीत करेगी, संयुक्त मोर्चा उनसे बात करेगा, एक चिट्ठी भी लिखी थी, बार बार प्रेस के लोग पूछते थे कि जी एक फोन कॉल की दूरी पे है फोन कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चे ने तय करा के चिट्ठी लिखी उनको, भारत सरकार से बात करना चाहते हैं, जहां से हमने इशू छोड़ा वहां से ही बात करेंगे, अब हमारी तरफ से ये उदाहरण उतर गया कि हम बात नहीं करना चाहते, बात मोर्चा करेगा, कोई एक आदमी इस आंदोलन का नेता नहीं है, ये मोर्चा ही इसका नेता है, वो इससे बात करेगा और बातचीत वहां से ही शुरुआत होगी जहां से 22 जनवरी को खत्म हुई थी। हमारा मंच भी सिंगू है और हमारे पंच भी वही है, कोई नहीं बदला गया, आप चलाओ ये बढ़िया, सारी जगह आपके धरने चल रहे हैं और पूरे देश भर में ये चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश साथ में है, किसान मजदूर नौजवान महिलाएं बेरोजगार आदिवासी सबकी लड़ाई इस मोर्चे से लड़ी जा रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जान लग रहे एक और यहाँ पे वो एक महात्मा बन गए, गाँव का आदमी जब महात्मा बनने का हटा नहीं तो उसको भी बात बात करनी पड़ेगी, नहीं तो एक आध जगह और हो जाएगा प्रोग्राम शुरू, और वो बन जाएगा जाट होगा हटने का नहीं बिल्कुल भी, बहुत गल जाएगा वर्षा में उसे आज लेकर जाके उसे हटा हो गया आज, हाँ और बहुत है वो कंडेल भी आया वो कंडेल उसे लेकर ही गया था ना लेकिन वो भी ये छोड़ कर ऐसे कंडेल वाले है, हाँ जाने आज जा लग रहे तो भाई अपना चलाओ, हमें भी 5-6 जगह आज जाना, अब जो बाड़ा वे भाई पकड़ रखे पुलिस ने वे 2-3 रह रहे उन्हें भी छोड़ दो, क्यों वो सांग भरो यहाँ पे, हाँ उन्हें भी छोड़ दो करेंगे हम, हमारे हैं उन्हें अपने आप समझाओगे हम, दो जी आ जाओ भाई, जो टीवी वाले हमें कुछ आ जाओ, 2 मिनट।